हाय फ्रेंड्स आई होप यू ऑल आर कीपिंग वेल आप सब घर में हैं एकदम बढ़िया हैं बढ़िया रहे हैं और एकदम सुरक्षित हैं वेल well, आई ने कल फिफ्टींथ जुलाई को एक नोटिफिकेशन दिया बेसिकली और उसके नोटिफिकेशन के थ्रू उन्होंने जो एग्जाम्स विच व लाइकली टू हैपन इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट राइट उससे उन्होंने डिसम्बर ट्वेंटी के साथ क्लब कर दिया उसे मर्ज कर दिया सो इन शॉर्ट जॉब का जून अटैम्प्ट था जो इवेंचुअली पोस्टपोन हुआ था टू ऑगस्ट दैट हैज़ बीन कैंसल्ड और वो एग्जाम आपका अब डिसंबर ट्वेंटी के साथ मर्ज हो गया राइट right? और जैसे ही नोटिफिकेशन आया तो दो सेट ऑफ स्टूडेंट्स थे यू you नो know, जिनके अलग अलग हम लोग वो मैसेज आ रहे थे कहीं ना कहीं वी व कनेक्टेड विद दी स्टूडेंट्स पहली कैटेगरी वो वो प्रेडी हैप्पी राइट जो बहुत ज़्यादा खुश थे कि चलो बहुत बढ़िया हो गया आई थिंक जो बेस्ट चीज़ हो सकती थी प्रॉबली यही हो सकती थी कि एग्जाम कैंसिल हो गई और मेरे ख्याल से ये वो वाले स्टूडेंट्स हैं जो कंटेनमेंट जोन में थे या रेड जोन में थे जिन्हें बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि हम लोग एग्जाम सेंटर पहुंच ही नहीं पाएंगे और हमारे काफ़ी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली में बिकॉज दे आर प्रीटी सेफ एटलीस्ट टू द एक्सटेंट दे देर टू रीच द एग्जाम सेंटर्स वो हमसे आगे निकल जाएंगे आई थिंक ये कैटेगरी थी दूसरी फिर एक कैटेगरी स्टूडेंट्स की वो वाली थी जो यू uh, नो you know, बिल्कुल ही नाखुश थे जिनकी प्रपरेशन बहुत अच्छी थी काफ़ी अच्छी तैयारी थी इनफैक्ट मेरे लाइव बैच के दो तीन स्टूडेंट्स हैं Uh, uh, जो बहुत होपफुल थे कि इस बार सर ऑल इंडिया रैंक है कोई हमको रोक ही नहीं सकता है तो ये सेकेंड कैटेगरी थी स्टूडेंट्स की हु आर जस्ट नॉट हैप्पी कि एग्जाम्स कैंसिल हो गई बट मुझे ऐसा लगता है कि यू नो आई थिंक जो आई प्रेसिडेंट के वीडियो में भी हम लोग देख रहे थे उसमें भी उन्होंने सेम चीज़ कही थी एंड आई सर्टनली अग्री टू इट सेफ्टी ओवर एवरीथिंग राइट मतलब अगर हम सेफ हैं सुरक्षित हैं और जीवित हैं सबसे इंपॉर्टेंट तो आई थिंक एग्जाम आप महीने छह महीने बाद भी दोगे तो मुझे नहीं लगता लाइफ में कोई इतना बड़ा चेंज आ जाएगा हाँ मैंने नीचे एक लाइन जरूर लिखी है ये बढ़ती उम्र और ऊपर से एग्जाम कैंसिल यार ये ऐसा नहीं कि मैंने कुछ क्रिएट किया मुझे वो स्टूडेंट्स के ही मैसेज से कहीं ना कहीं यू नो ये एक थॉट कन्वे हो रहा था कि दे आर रियली वरिड दैट यू नो वी आर ग्रोइंग ओल्डर एंड इंस्टीट्यूट ने एग्जाम कैंसिल कर दी छह महीने हमारी लाइफ से निकाल लिया अब हमारे साथ खिलवाड़ कर दिया बट आई डोंट थिंक सो दैट्स यू नो एक्चुअली अ कंसर्न आई थिंक ऑन अ लाइटर साइड ये एज वेज का बहुत ज़्यादा आप लोड मतलब आई थिंक यू हैव गुड अमाउंट ऑफ टाइम विथ यू राइट और बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इवेंचुअली आने वाली मुझे लगता है आई थिंक पोस्ट करोना सी के लिए और अच्छी अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली ओपन अप होगी टू द एक्सटेंट यू नो एवरी कॉर्पोरेट वुड नाउ रन फास्टर At least uh, in order to pace up their businesses now. So anyway, वे खैर वो हम लोग बहुत ज़्यादा करियर के बारे में बात नहीं करेंगे because at this point i think sabse सब सबसे ज़्यादा आपके मन में ये सवाल है कि अब करना क्या है क्यों you ना know, जो सबसे बड़ा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के दिमाग में प्रॉब्लम वो ये है कि uh, what's next, right? अब August की आपकी एग्जाम्स चली गई है दिसंबर में एग्जाम्स होने वाली है सो so, जो कुछ क्वेश्चन मुझे आई थिंक एक दिन में आफ्टर दैट नोटिफिकेशन आए हैं वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर स्लाइड में ऐड किए हैं और मैं कोशिश करूंगा कि वो सारे के सारे थॉट्स वो सारे क्वेश्चंस मैं अप्रोप्रिएटली आंसर कर पाऊं आफ्टर दैट आल्सो अगर आपके और कोई कंसर्न्स हैं आप नीचे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखे एन नल बी हैप्पी टू एड्रेस दोज क्वेश्चंस एज वेल है ना सो so, अच्छा जितना हम लोग समझते हैं आई थिंक एग्जीक्यूटिव में ये अभी दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं पहला वो वाला स्टूडेंट है जो या तो ऑगस्ट में मॉड्यूल वन दे रहा था या फिर मॉड्यूल टू दे रहा था या फिर एक ऐसी कैटेगरी स्टूडेंट्स की थी जो अगस्त में प्रिपेयर्ड थे दोनों के दोनों मॉड्यूल्स देने के लिए राइट सो so ये दो कैटेगरी स्टूडेंट्स की थी अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आई थिंक इस स्लाइड का वो ये है कि आ, क्या क्या कंसर्न्स हैं स्टूडेंट्स के सो so ये कुछ चार पांच चीज़ें मुझे मोटा मोटी समझ में आई और भी ऑफकोर्स जहां हम लोग यू नो अपनी तकलीफें ढूंढना स्टार्ट करते हैं लाइफ में तो यू कैन राइट अ बुक ऑन दैट बट जो मुझे लग रहा था कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और uh, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वो मैंने यहाँ पर जस्ट पेन डाउन किया चेक करते हैं सो so, सबसे पहले स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट थाट था फर्स्ट कंसर्न था वो था पेपर की डिफिकल्टी को लेकर कि अब जून 20 में एग्जाम्स होने वाले आपके मतलब होने वाले थे जो ऑगस्ट में आ गए थे अब डिसंबर में ऑलरेडी एक बंच ऑफ स्टूडेंट हैं जो अपना पहला अटैम्प्ट डिसबर uh, में देंगे अब जून अटैम्प्ट के स्टूडेंट और एड हो जाएंगे राइट सो so, आप एग्जीक्यूव लेवल पर देखते हो तो Uh, मतलब दो अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स एक साथ एग्जाम देंगे जून वाले और दिसंबर वाले और ये नंबर इन नो केस इट शुड बी लेस देन फिफ्टी थाउजेंड वो पचास हजार से ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे इनफैक्ट और ज्यादा पचास भी मैं कम बोल रहा हूं अगर आप ओल्ड सिलेबस के काउंट कर ले तो पचहत्तर हजार भी क्रॉस कर देंगे हम लोग तो आई थिंक पहला एक थॉट अपना ये था पहला डर ये था कि क्या इंस्टीट्यूट अब डिफिकल्ट पेपर सेट करेगी है ना सो so एक बार जरा क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लेते हैं अच्छा सेकंड फिर ऑब्वियसली क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट्स अब एग्जाम दे रहे हैं राइट ज्यादा स्टूडेंट्स अब एग्जाम देंगे तो पासिंग परसेंटेज ऑब्वियसली आपका कम हो जाएगा ऐसा स्टूडेंट्स का सोचना है कि जो पासिंग परसेंटेज है उस केस में कम हो जाएगा कारण कंपटीशन बहुत बढ़ गया है डबल हो गया इनफैक्ट कंपटीशन जून दिसंबर दोनों डबल हो गया फिर थर्ड एक और क्वेश्चन ये था आई थिंक जो मैं सबसे ज्यादा इंसिस्ट करूंगा जिसके ऊपर कि मुझे एक मॉड्यूल देना चाहिए या फिर मुझे दोनों मॉड्यूल्स देना चाहिए ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली मैं चाहता हूँ जिसको हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर नेक्स्ट एक जो बहुत लाइकली क्वेश्चन है मतलीज मेरे मन में भी यही सवाल था कि डिसम्बर में भी क्या एग्जाम्स होंगे या फिर नहीं हो सकते हैं नेक्स्ट uh, सेल्फ स्टडीज़ करना चाहिए हम लोग कोई लाइव बैच लाइव बैच तो खैर आप हाथ जोड़ लिया आपके लाइव बैच का सपना ही मत देखना मतलब मुझे नहीं लगता है छः आठ और कोई लाइव बैच की पॉसिबिलिटी है सो वीडियो लेक्चर्स एक ऑप्शन आपके पास अच्छा है एंड आर्टिकलशिप uh, का क्या है है ना सो so, एक एक करके अब हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश करते हैं सबसे पहला थाट हमारा ये था कि क्या पेपर्स की डिफिकल्टी बढ़ जाएगी यार uh, एक मिनट के लिए अज्यूम करते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल नहीं हुई होती है ना आपकी एग्जाम्स जो अगस्त में से जून की अगस्त में हो गई थी वो अगस्त में ही हो रही होती अगर एग्जाम्स क्या आप पेपर को कंट्रोल कर सकते थे राइट right? क्या आप इंस्टीट्यूट को ये बता सकते थे कि भाई हमारे साथ बहुत जुल्म हुआ है अब पहले जून में होने वाली थी अब क्योंकि एग्जाम्स अगस्त में हो गई तो आप हमको पेपर सिंपल दो अगर आपका आंसर येस yes है तो आई थिंक इस क्वेश्चन का कोई लाइकली आंसर है बाकी जनरअली मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ कन्फ्यूज करने के थॉट्स है बाकी कुछ भी नहीं है मतलब जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में आई थिंक वी शुड नॉट really बी bothered अबाउट इट हम लोग उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए कि पेपर की डिफिकल्टी ज्यादा होगी या फिर कम होगी आई थिंक दैट्स नन ऑफ your botheration और इवन इफ इट इज योर botheration आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो हाँ आप अगर ये सोचो कि सारी फैकल्टीज इंडिया की मिलकर एक वीडियो बनाएंगे यूट्यूब पर इंस्टीट्यूट को हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब इस बार आप पेपर थोड़ी ईजी देना बच्चे बहुत सफर कर रहे हैं दे विल नॉट कंसिडर राइट राइट इज समथिंग विच इज इन देयर हैंड्स राइट सेकंड क्या चेकिंग टफ होगी आप चेंज कर सकते हो उस चीज को इंस्टीट्यूट ने बोला हाँ चेकिंग टफ होगी अब आप क्या कर लोगे एग्जाम नहीं दोगे एग्जाम तो फिर भी देना है अच्छा इंस्टीट्यूट ने बोला चेकिंग बहुत आसान होगी सर अब हम एक काम करते एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल की भी दे दे क्योंकि चेकिंग ईजी होगी इज दैट अ अइकली ऑप्शन द आंसर इज नो राइट सो मुझे ऐसा लगता है जो चीज हमारे हाथ में नहीं जो चीज हमारे कंट्रोल में है वी शुड जस्ट नॉट थिंक अबाउट इट कारण आप उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते हो अच्छा मैं यहां पर खड़े होकर बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ही बोल देता हूं पेपर सिंपल आएंगे पहला चेकिंग बहुत ईजी होगी नहीं आया तो क्या आप केस कर दोगे मेरे अगेंस्ट नहीं राइट सो so, मुझे ऐसा लगता है कि इन होक्स थॉट्स में बिल्कुल आप पढ़ना ही मत मैं बोलूं कोई और बोले बिल्कुल इन चीजों पर कभी विश्वास मत करना यार अल्टीमेटली ये इंस्टीट्यूट के हाथ में एंड दे पॉसिबली आर द बेस्ट वॉन्स टू डिसाइड पेपर की डिफिकल्टी क्या रखनी है चेकिंग कैसी होगी कितना परसेंटेज पासिंग का होना चाहिए ये हमसे ज्यादा और हमसे बेटर वो लोग समझते हैं राइट सो so लेट देम डू देर जॉब वेरी वेरी नाइसली वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट हाँ क्या आपके हाथ में है क्या आप चेंज कर सकते हो या फिर क्या आप अच्छे से कर सकते हो पढ़ाई राइट right? सो so, एक चीज जो आपके हाथ में आज इस पॉइंट पर है वो है पढ़ाई राइट right? अच्छा सर अगर पेपर डिफिकल्ट आ गए तो उसे कॉम्बेट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यार बस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ना उसमें आई थिंक इसका आंसर है राइट right? अच्छा सर आप ऐसा बोल रहे हो कि मैं एक की अगर दो मॉड्यूल्स दूं तो मेरे पासिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे यस इन अ वे यस अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे बट पहली चीज क्या पेपर डिफिकल्ट आएंगे यार मैं क्या भगवान भी नहीं बता सकता आपको आज की डेट में कारण पेपर बने ही नहीं है आपके अभी तक डिसम्बर अटेम्प्ट के अच्छा सेकंड सर ज़्यादा कंपटीशन है है बहुत ऑब्वियसली ज्यादा कॉम्पिटिशन है सर इसका ये मतलब हमको डिसेंबर अटेम भी स्किप कर देना चाहिए यार डिसंबर स्किप करोगे आप नेक्स्ट जून में जाओगे जून 21 में वहां पर और कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा कारण कितने बच्चे डिसंबर में क्लियर होंगे ये आपको पता नहीं है सो so, जून 21 के स्टूडेंट्स प्लस डिसंबर ट्वेंटी के जो फेल हो गए स्टूडेंट्स और बढ़ जाएगा सो so, ये तो अपने को फेस करना है लेट्स फेस इट राइट मतलब इसमें कोई निगोशिएशन वाला स्कोप ही नहीं है यहाँ पर अच्छा सर चेकिंग हम कुछ कर सकते हैं यार अगर आपका ऐसा कोई कांटेक्ट हो तो प्लीज मुझे भी उससे जरूर मिलवा देना मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ मैं भी मेरे सारे स्टूडेंट्स के रेफ्रेस उनको दे दूंगा भाई ये पेपर्स थोड़े अच्छे से चेक करना राइट right? सो so, ऐसा कुछ भी नहीं है ये ऐसी चीज है जो आपके हाथ में ही नहीं मुझे ऐसा लगता है आपको इन चीज़ों पर फोकस करना ही नहीं चाहिए आप बिल्कुल दिमाग मत लगाओ अच्छा यार सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक अभी इस पॉइंट पर जो मेरे हिसाब से हम लोग को एड्रेस करना है वो ये है कि स्टूडेंट्स को इस सिचुएशन में आप एक मॉड्यूल के लिए अपेयर करना चाहिए या फिर दोनों मॉड्यूल्स की एग्जाम देनी चाहिए राइट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइकली क्वेश्चन है जो मुझे लगता है कि यू शुड एक्चुअली बी थिंकिंग अबाउट यू शुड रियली बी वर्ड अबाउट इट राइट इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अच्छा आर्टिकलशिप का क्या है आ, यार आ, जैसे एक सनसेट क्लॉज तक है थर्ड ऑगस्ट का जो प्रॉब्लम जून अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स हैं न्यू सिलेबस के वो शायद ये कनेक्ट कर पाएंगे तो मुझे लगता है वो थर्ड ऑगस्ट की जो ड्यू डेट है वो आई सी एस आई ऑबली एक्सटेंड करेगा फॉर ओल्ड सिलेबस या न्यू सिलेबस वाले जो स्टूडेंट्स हैं आई थिंक जो ओल्ड सिलेबस वाले नहीं हैं मतलब आप लोगों के लिए तो वो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है और सॉरी जो न्यू सिलेबस वालों को बिकॉज वो तो एनी वे लाइबल है मतलब उनको अपनी एग्जीक्यूटिव के बाद आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी करनी है तो वो थर्ड ऑगस्ट वाला जो नोटिफिकेशन है मुझे लगता है उसके बारे में खैर मैं सेपरेटली बात करूँगा मैं आई एम कमिंग लाइव टुमोरो ई विल टॉक अबाउट इट सो आई थिंक दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग राइट सो दैट शुड नॉट बी अ बॉदरेशन राइट नाउ मुझे ऐसा लगता है ना जो सबसे पहले अपने हाथ में ना उस पर हम लोगों को फोकस करना चाहिए हमारे हाथ में क्या है डिसम्बर में एग्जाम्स होने वाली है अच्छा सर क्या डिसम्बर में एग्जाम्स होगी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन uh, यार मैं खैर अगर आपने पुराने मेरे कोई वीडियोज़ देखे होंगे ना जो मैंने लास्ट टाइम भी बनाए थे मैंने उसमें भी सेम चीज़ बोली थी आई विल स्टिक टू माई थॉट इवन नाउ दैट ऑगस्ट में क्या डिसम्बर में क्या अब जितनी भी एग्जाम्स फ्यूचर में होगी ना इट विल बी सब्जेक्ट टू वैक्सीन अगर वैक्सीन आती है तो मुझे लगता है डिसंबर में एग्जाम्स होगी नहीं तो डिसंबर में भी नहीं होने वाली हम लोग वी क्रॉस टेन लाख केसेज नाउ राइट अगर ये इस तरीके से हम लोग बढ़ते गए इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ केसेज एंड दिस नो चेक पॉइंट टू इट आई थिंक बाय द टाइम वी रीच डिसम्बर द केसेज वुड क्रॉस वन करोड़ राइट सो इट इज ऑल सब्जेक्ट टू वैक्सीन राइट अगेन क्या है आपके हाथ में है नहीं राइट right? सो so, जो आपके हाथ में है लेट्स टॉक अबाउट दैट मेरे हिसाब से मतलब आप मेरा अगर व्यू पूछें क्या डिसंबर में एग्जाम होगी वन लाइन आंसर अगर वैक्सीन आ गई तो दिसंबर में एग्जाम होगी अगर वैक्सीन नहीं आई तो दिसंबर में भी एग्जाम नहीं होगी ये बात भी तय है राइट right? तो सर क्या हम लोग को प्रिपेयर करना चाहिए अरे होगी तो क्या करेगा अटेम्प्ट छोड़ेगा प्रिपेयर तो करेंगे ना और एनी वे टाइम है हम लोग घर में हैं सो मुझे लगता है इससे अच्छा टाइम आपके पास पढ़ाई के लिए है ही नहीं राइट सबसे बेस्ट टाइम यही है क्योंकि यू हैव नो एक्स्यूजेज एट ऑल राइट आप नहीं अपने पेरेंट्स को जस्टिफाई कर पाओगे नहीं आपके पास कोई जेनुइन रीजन है सो घर पे बैठ के आराम से पढ़ाई करो राइट कितना नेटफ्लिक्स कितना अमेजन एक पॉइंट आएगा जहां आप वो देख देख के थक जाओगे ना आम श्योर जब मैं लाइन बोल रहा हूँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो जो वो जेनुअन भी टायर्ड इवन आई एम टायर्ड ऑल आई एम वर्किंग गुड सिक्स टू एट अ डे बट फिर भी वो नेटफ्लिक्स और अमेजन आजकल कोई बोलता है मेरे को चक्कर आते हैं कारण बहुत घसापुट्टा कंटेंट हो गया इतना मजा ही नहीं है सो डिसम्बर ट्वेंटी अब एग्जाम के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं हाँ जी सो आई थिंक ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे आपके राइट right? अब मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हम लोग बहुत अच्छे से समझें कि एग्जैक्टली exactly उसको क्या, मतलब उसके लिए क्या करना है मतलब किस तरीके से हम लोग को हमारी पढ़ाई प्लान करनी है अच्छा सी ये जो यहाँ पे आप इसकी बात कर रहे थे ना कि भाई एक मॉड्यूल देना चाहिए या फिर दोनों मॉड्यूल देना चाहिए बस अब यही मेन मेरा एक्चुअली पर्पस था जिसके लिए मैं एक्चुअली यहाँ पर आया हूँ <coughs> सी टाइम है हमारे पास अभी आप जुलाई में हैं मिड ऑफ जुलाई राइट सो पंद्रह दिन जुलाई के आपके पास है और इफेक्टलेट से एक काम करते हैं थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं आई थिंक और क्लियर हो जाएगी चीज़ें <coughs> जी सो <So, coughs> यार मतलब खैर जब ये कोरोना नहीं हुआ था और जब उसके पहले भी कोई स्टूडेंट्स मेरे पास आते थे लाइव बैच के हों या वर्चुअल बैच के हों मैं पहले भी हमेशा ही बोलता था कि यार इंस्टीट्यूट ने जब आपको दो मॉड्यूल्स दिए हैं आठ पेपर्स दिए हैं तो उन्होंने सारी चीजें सोचकर आपको वो पूरा सिलेबस आपका ड्राफ्ट किया राइट सो एट नो पॉइंट इट इज इम्पॉसिबल दैट यू के नॉट राइट बोथ द मॉड्यूल्स एंड नाउ वी हैव टाइम है ना अच्छा सो so अब मैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिनका जो एक्चुअल अटेम्प्ट था जिनका एक्चुअल अटेम्प्ट कब था जून ट्वेंटी में था अब जून ट्वेंटी में अपियर करने वाले दो तरीके के स्टूडेंट होंगे एक जो सिंगल मॉड्यूल दे रहा था दूसरा जो बोथ मॉड्यूल्स दे रहा था है ना अब से जो दो बोथ मॉड्यूल्स जून 20 में दे रहा था वो तो ऑब्वियसली और बहुत आसानी से डिसेंबर 20 में भी दोनों मॉड्यूल्स दे सकता है इसको तो ड्रॉप करने की जरूरत ही नहीं अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो जून 20 में दोनों के लिए प्रिपेयर था और अब डिसेंबर 20 में सोच रहा है कि मैं एक ही मॉड्यूल दूंगा एक थप्पड़ मार लेना अपने आपको बिल्कुल ये बेवकूफी मत करना आपको तो ऑब्वियसली दोनों मॉड्यूल्स ही देने कंफ्यूजन किसका है इस कैटेगरी के स्टूडेंट का कंफ्यूजन है जो सिंगल मॉड्यूल देने वाला था अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात आप बताइएगा कि जून ट्वेंटी में आप सिंगल मॉड्यूल देने वाले थे तो आपने ये उस वक्त तो यही सोचा होगा कि जून ट्वेंटी में पहला मॉड्यूल और जो सेकंड मॉड्यूल से फॉर एग्जांपल आप फर्स्ट मॉड्यूल जून ट्वेंटी में दे रहे थे सो सेकंड मॉड्यूल आपने यही प्लान किया होगा कि आप डिसंबर ट्वेंटी में दे रहे हो मतलब आपका माइंडसेट तो यही था कि मुझे डिसम्बर ट्वेंटी में सेकंड मॉड्यूल देना है राइट right? जब आप जून ट्वेंटी में फर्स्ट मॉड्यूल दे रहे थे सो so, दिक्कत कहा है अच्छा अब इसमें कुछ लाइकली क्वेश्चन कुछ कन्फ्यूजन uh, अपने मन में होंगे स्टूडेंट्स के मन में होंगे पहला सर हम लोगों ने जैसे ही हमको पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल होने वाली है या पोस्टपोन होने वाली है हम लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी थी तो जून 20 की हमारी जो एक्चुअल पढ़ाई थी वो हम लोगों की कंप्लीट नहीं हुई फर्स्ट ये वाला स्टूडेंट होगा अगरी टेकन वेरी वेल टेकन मतलब जेनविन रीजन है सेकेंड सर जून से एग्ज़ाम ऑगस्ट में गई बट हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ऑगस्ट में भी एग्जाम नहीं होगी तो हमने तो पढ़ाई नहीं की वेरी नाइस nice, बहुत बढ़िया ये भी आप बहुत समझदार लोग हैं थर्ड सर हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं एकदम हंड्रेड परसेंट प्रिपेयर्ड हैं कि एक ग्रुप जून ट्वेंटी में बहुत अच्छे से देने वाले थे लेकिन अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम डिसंबर ट्वेंटी में सेकंड ग्रुप देते हैं और आठ पेपर्स का प्रेशर हम लोग हैंडल नहीं कर सकते ये थर्ड ये तीन चार आई थिंक आपके कॉमन रीजन होंगे जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन ये होगा कि सर किताबें नहीं थी पढ़ाई नहीं हुई माहौल ऐसा था कि पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं हुई यह सबसे कॉमन रीजन होगा राइट ना अब टाइम देखते हैं राइट कि क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है uh, मैं इनफैक्ट यू नो आई वाज एक्चुअली टॉकिंग टू माय टीम और कल हम लोग यही बात कर रहे थे इवनिंग में जब मैं यू नो ये सब ड्रॉ कर रहा था तो मैं यही सोच रहा था इनसे जब सब बात हुई सबसे तो कि ये नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने बेस्ट पार्ट ये किया कि बहुत जल्दी दे दिया राइट अगर ये नोटिफिकेशन ऑगस्ट में आता और ऑगस्ट में आपको पता चलता कि एग्जाम्स कैंसिल हो गई है तो शायद मैं आपको सजेस्ट नहीं करता मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता अगर 10-15 अगस्त के आसपास ये नोटिफिकेशन आता कि भाई अब आप दोनों मॉड्यूल्स के लिए प्रिपेयर करो कारण शायद टाइम कम था लेकिन कंसिडरिंग द प्रेजेंट सिचुएशन एंड द टाइम विच इज देर इन योर हैंड्स राइट नाउ आई पर्सनली फील आई स्टिल थिंक यू कैन एक्चुअली हिट बोथ द मॉड्यूल्स राइट अच्छा कैसे समझना जून ट्वेंटी में आप पहले एक मॉड्यूल देने वाले थे है आप पहले एक मॉड्यूल देने वाले थे अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स समझदार होते हैं जो अगस्त तक अपना रिजल्ट का वेट करते हैं और सितंबर से फिर सेकंड ग्रुप की क्लासेस स्टार्ट करते हैं और सेकंड वो कैटेगरी होती है जो जून में एग्जाम दी 15-20 दिन रिलैक्स करते हैं एकदम चकाचक की भाई बहुत मजा आ रहा है इतनी पढ़ाई की ना अब थोड़ा हम रिलैक्स करेंगे, करेंगे एक जुलाई से पढ़ाई चालू करेंगे एक जुलाई से पढ़ाई चालू करते करते वापस आप आठ दस जुलाई कर देते मतलब इफेक्टिवली वही डेट आपकी आ गई है जो एक्चुअली आप पढ़ाई जेनुनली स्टार्ट करते हैं राइट फिफ्टीन जुलाई और पढ़ा सिक्सटीन जुलाई सो अब आपको करना क्या है मुझे ऐसा लगता है आप ये समझना ये मैंने आपकी आज की प्रेजेंट डेट लिखी 16 जुलाई 2020 है ना ये आपकी प्रेजेंट डेट है अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं किसी और दिन देख रहे हैं तो ऑब्वियसली वो डेट ठीक है 16 जुलाई ये आपकी आज की डेट है ओ <coughs> oh, सत्रह ना आई थिंक या सॉरी सत्रह जुलाई नॉट सोलह जुलाई सत्रह जुलाई सोलह का तो नोटिफिकेशन था सेवनटीन जुलाई अब मुझे क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए एट दिस पॉइंट बिल्कुल दिमाग मत लगाओ एट दिस पॉइंट बिल्कुल दिमाग मत लगाओ कि आपको एक मॉड्यूल देना दोनों मॉड्यूल देना सबसे पहले क्या करो रिविजन सबसे पहले क्या करोगे रिविजन क्या रिविजन करना है जो मॉड्यूल आपने सोचा था आप जून में देने वाले हो वो सबसे पहले रिवाइज कर लो है ना से फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्टूडेंट की बात करता हूँ सो दिस दिस स्टूडेंट जिसने ये डिसाइड किया था कि जून 20 में वो मॉड्यूल वन देने वाला है क्या देने वाला है मॉड्यूल वन अब जब जून ट्वेंटी में मॉड्यूल वन देने वाले थे मेरा ऐसा मानना है कि या तो आपकी पढ़ाई हंड्रेड परसेंट हो गई होगी मॉड्यूल वन की राइट ऑब्वियसली जून से ऑगस्ट में एग्जाम गई तब तो आप इतने शोर तो नहीं थे कि भाई एग्जाम वापस से उड़ने वाली है कैंसिल ही हो जाएगी तो हम लोगों ने पढ़ाई की होगी सेवेंटी फाइव एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट इतनी आपकी पढ़ाई हो गई होगी सो so, सबसे पहले क्या करो आप जो आपके हाथ में है उसको बिल्कुल डबली श्योर कर दो कि उसमें कोई डाउट ही ना रहे कि किसी भी तरीके से हम लोग अटक रहे हैं राइट और जितने भी मन में थॉट्स थे कि भाई आ, पेपर टफ हो जाएगा चेकिंग कम हो जाएगी कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा वो सब कुछ भी हो जाए क्योंकि वो फैक्टर्स आपके हाथ में नहीं है आप फिर भी क्लियर कर लोगे इतनी आपकी तैयारी थी इतनी आपकी प्रिपरेशन थी राइट सो फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है रिविजन कितने दिन देने सर रिविजन के लिए रिविजन के लिए आपको देने फिफ्टीन डेज कितने दिन है फिफ्टीन डेज ठीक है ये समझ में आ रहा है कितने दिन दोगे आप रिविजन के लिए फिफ्टीन डेज अच्छा रिविजन आपने एक बार फिफ्टीन डेज में कर लिया अच्छा फिफ्टीन डेज में पूरे सर चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करें हाँ जी चारों सब्जेक्ट्स रिवाइज करें यार एग्जाम अगर होती तो एक दिन में भी रिवाइज करते ही करते ना तो अब थोड़ा सा प्रेशर अब देखो अगर चार की जगह आठ पेपर्स देने और अगर, अगर अपने को टाइम बचाना है कि अपने बुढ़ापे के पहले अपना अटैप्ट क्लियर हो जाए राइट तो थोड़ी तो एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने ही नहीं लेने आपको ये तो बिल्कुल तय है सो पंद्रह दिन के अंदर रिवीजन करो अच्छा पंद्रह दिन मतलब कब तक आपको खत्म करना है थर्टी फर्स्ट जुलाई लास्ट डेट रखना कोशिश करना फर्स्ट और सेकेंड ऑगस्ट तक आपने उसको यू ब्लॉक डेट राइट सो फर्स्ट सेकेंड ऑगस्ट तक आपने क्या करना है रिविजन करना है सो so, अब हम लोग पूरा प्लान एक बार शेड्यूल लिखते हैं सो so, सत्रह जुलाई से सत्रह जुलाई से लेट्स सेकेंड ऑगस्ट इकतीस तारीख का महीना है आपका ये हो गया आपका रिविजन किसका रिविजन करोगे मॉड्यूल वन और टू जो आप जून ट्वेंटी में देने वाले थे है ना इसका रिविजन करेंगे फर्स्ट एक बार रिविजन कर लिया और रिविजन ऐसा किया कि हम लोग बिल्कुल थरो है कि कल अगर इंस्टीट्यूट ने पेपर दे दिया ना तो मैं ये पेपर दे सकता हूं अगर आप उस सिचुएशन में नहीं हो उस पोजीशन में नहीं हो तो फॉर गॉड से प्लीज फिर सेकंड ग्रुप ट्राई मत करना फिर दूसरा मत देना अगर 15, 16 डेज में आप पूरा पूरा के एकदम थरली रिवाइज कर पा रहे हो और इतने अच्छा आपका प्रिपरेशन है कि आप पेपर दे सकते हो तो ही फिर आप सेकंड मॉड्यूल उठाना अदरवाइज ये मस्ती बिल्कुल बिल्कुल मत मत करना है ना बिल्कुल मत करना मतलब जो आपके हाथ में है आप यू शुड बी वेरी वेरी श्योर अबाउट इट उसके बाद ही फिर हम लोग को एक्स्ट्रा कुछ ट्राई करना है सबसे पहले क्या करेंगे रिविजन किस चीज का जो ग्रुप मैं जून में देने वाला था उसका सबसे पहले मैं रिविजन करूंगा फर्स्ट एक बार वो हो गया उसके बाद आप टाइम देखो आप अब कितना टाइम बचता है अपने पास ऑगस्ट सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर पाँच महीने है ना अब क्या करना है अभी आप सोच रहे हो कि पांच महीने में तो एग्जाम ही आ जाएगी पाँच महीने कैसे ये दिसंबर का महीना हमेशा छोड़ देना आपके सेकंड एंड फाइनल रिवीजन के लिए मतलब फर्स्ट दिसंबर से सिक्सटीनथ दिसंबर ये फाइनल रिविजन होगा आपका इसको बिल्कुल छोड़ दो नवंबर आपका फर्स्ट रिविजन होगा है ना नवंबर हम क्या करेंगे फर्स्ट रिविजन करेंगे मतलब ये मानना करीब थ्री एंड हाफ डेज फॉर ईच सब्जेक्ट ये हो गया आपका नवंबर अब कितना टाइम बचता है हमारे पास अगस्त टू सितंबर कितना टाइम बचा है अगस्त टू सितंबर है ना? इफेक्टिवली आप ऑगस्ट टू सेप्टेम्बर देखते हो सो so दो दिन अगर मैंने वहां के कट कर दिए दो दिन आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं ऑगस्ट और अक्टूबर ऑब्वियसली थर्टी वन डेज थर्टी वन सो इफेक्टिवली यू गॉट नाइन्टी डेज कितने दिन मजे गए नाइन्टी डेज है ना यार बस ये स्लाइड जैसी कंप्यूटर ने इसका एक फोटो खींच लेना मतलब अगर आप एग्जैक्टली exactly इस मॉड्यूल से इस मॉडल से काम कर सकते हो तो बिल्कुल यू गोइंग परफेक्ट फिर आपको दोनों ट्राई करने चाहिए अदरवाइज सिंगल है ना नाइन्टी डेज अब नाइन्टी डेज में अपने को कितने सब्जेक्ट्स खत्म करने चार क्योंकि चार तो मैं पहली रिवाइज कर चुका हूँ जो मैं शोर था जून में देने वाला था बचे कितने चार अच्छा सर अब ये चार सब्जेक्ट्स हम लोग कैसे पढ़े सेल्फ स्टडीज़ करना है वीडियो लेक्चर्स करना है लाइव वैचेज़ लाइव वैचेज़ का ऑप्शन खत्म हो गया राइट right? अब तो हो ही नहीं सकती लाइव वैजेस भारत में कहीं पर भी चले जाओ लाइव वैचस का चांस ही नहीं है अच्छा दो ऑप्शन आपके पास बचते हैं या तो सेल्फ स्टडीज़ या फिर वीडियो लेक्चर्स यार देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि आप वीडियोज़ खरीदो राइट right? बट मुझे ऐसा लगता है कि जब अब यार किसी की कोई बहुत अलग सिचुएशंस हो फाइनेंशियली बहुत कोई दिक्कतें हों तो खैर इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर ऑल ऑल्दो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद आप सेल्फ स्टडीज में भी क्लियर कर लें मैं आपकी कैपेबिलिटी डाउट नहीं कर रहा हूँ वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ लेकिन क्या होता है जब आप क्लासेस करते हो ना तो आप दो ऐसी चीज़ें सीखते हो जो शायद आप सेल्फ स्टडीज़ में कभी नहीं सीख पाते राइट और ऑब्वियसली वो टीचर का एक्सपीरियंस टीचर्स की ब्लेसिंग्स उसके साथ आती है तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलता है तो उसमें मैं कभी क्वेश्चन नहीं करता हूँ अच्छा मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि आप ये से ही सारे के सारे लेक्चर्स खरीदना यहाँ से ही आप क्लासेस खरीदना आप डेमो देखना आपको अच्छा लगे तो ठीक है नहीं तो आपको जो फैकल्टी आपको अच्छी लगती हो ना उसकी आप क्लासेस लो लेकिन मुझे ऐसा लगता है वीडियो लेक्चर्स आपको लेने चाहिए मतलब किसी भी टीचर का गाइडेंस जरूर आपके पास होना चाहिए और यार प्राचीन काल से वो जो आई थिंक गुरु की महत्वता इंडियन मिथोलॉजी में राइट right? आप उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते हो तो मैं तो इवन टुडे आई फील यू नो देर शुड बी अ गुरु इन लाइफ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुरु राइट समवन यू कुड लुक अप टू कि भाई योर टू गो टू पर्सन आपकी लाइफ में कोई ऐसा है सो so, मैं ये प्रमोट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर ऐसा नहीं आप ऐसा मत सोचना कि मैं क्लासेज या वीडियोज़ प्रमोट कर रहा हूँ मैं पर्सनली आपको बता रहा हूँ अगर मैं शायद आपकी जगह होता तो मैं डेफिनेटली आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर वीडियोज अगर लाइफ पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली तो राइट right? सो so, बाकी ऑफ़ कोर्स यार प्योर आपकी चॉइस है चार सब्जेक्ट्स हैं अपने कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने को बहुत होते हैं, अपने को बहुत पसंद होते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अपने को पसंद ही नहीं है राइट जब भी पढ़ाई करोगे जब भी पढ़ाई करोगे अब आपको क्या करना है ये चार सब्जेक्ट्स के वीडियोस ऑलमोस्ट आप किसी भी अच्छी फैकल्टी की अगर आप क्लासेस देखोगे ना तो 80 टू 120 ट्वेंटी लेक्चर्स उसमें होंगे राइट right? 80 टू 120 ट्वेंटी लेक्चर्स होंगे कुछ फैकल्टीज के दो दो सौ लेक्चर्स भी होते हैं ढाई ढाई सौ लेक्चर्स भी होते हैं सबका अपना अपना एक अलग पैटर्न होता है टीचिंग का मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि जो भी क्लासेस है वो आपको थ्री मंथ्स में अगर खत्म करनी है तो आप नंबर ऑफ लेक्चर्स काउंट करो राइट अगर कोई फैकल्टी के सौ लेक्चर्स हैं तो फिर तो बेस्ट है आपको एक लेक्चर रोज देखना है कोई फैकल्टी के अगर दो सौ लेक्चर्स हैं तो ऑब्वियसली आपको दो दो लेक्चर्स उस सब्जेक्ट के रोज देखना है सो so, हमको करना क्या है कि रोज एवरी डे सैटरडे हो या संडे राइज रोज आपको एक चीज करना है आपको चार वीडियोस कंप्लीट करना है मतलब चारों सब्जेक्ट्स का वन वीडियो रोज अच्छा ये कब जब 90 टू हंड्रेड लेक्चर्स हर सब्जेक्ट के आपके पास हैं राइट तो अगर उससे ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको आप ऐसे डिवाइड करो कि 90 डेज में कंप्लीट हो जाए 200 क्लासेस हैं किसी एक सब्जेक्ट की तो उसके दो लेक्चर्स आपको देखना है So, अगर मैं ये अज्यूम करूं कि किसी के सौ लेक्चर एक सब्जेक्ट के हैं राइट और चार सब्जेक्ट्स हैं मतलब आपको चार वीडियोस देखने सो so, करीब करीब साढ़े पांच से छह घंटे आपको रोज वीडियो क्लासेस करनी है क्या करोगे रोज वीडियोस? अच्छा आप देखो ये आपने वीडियोस देखे है ना जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट करोगे अगर सेम चीज सेम चीज अगर हम लोग सेम डे पढ़ लें तो जो आपका एक घंटे का टीचर ने पढ़ाया ना वो पंद्रह बीस मिनट में आराम से पढ़ सकते हो अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके ऊपर आपने एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो होमवर्क कुछ दिया हुआ है वो आपने सॉल्व किया मतलब इफेक्टिवली अगर आप छः घंटे की क्लासेस कर रहे हो और इसके साथ आप तीन घंटे की आपकी सेल्फ स्टडीज ट्रस्ट मी यू गुड टू गो मतलब एब्सोल्यूटली हो सकता है अच्छा अब सर नौ घंटे कहाँ से निकालू यार चौबीस घंटे में से नौ घंटे निकालना जेनवनली बड़ी बात नहीं है और इस टाइम में तो बिल्कुल नहीं जहाँ मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि आप घर से बाहर नहीं निकल सकते हो सो नौ घंटे सर मुझे घर का काम करना पड़ता है सर मेरी मम्मी बर्तन साफ़ करवाती है सर मेरी मम्मी झाड़ू पोछा करवाती है मेरी मम्मी तो खाना भी बनवाती है सब करो तो भी नौ घंटे निकाल सकते हो कितना सोते हो सर हम आठ घंटे सोते हैं छः घंटे सो सर हम छः घंटे सोते हैं चार घंटे सो नहीं मरेगा जेनुअनली नहीं मरेगा मतलब मैं तो कितने सालों से चार पाँच घंटे सोता हूँ बिल्कुल एब्सोलुटली कोई दिक्कत नहीं नहीं मरोगे आप जिंदा मैं भी बहुत सालों से जिंदा आप भी जिंदा रह जाओ कोई दिक्कत नहीं है एटलीस्ट एग्जाम तक तो कोई ऐसा आपको हार्ट अटैक नहीं आने वाला सो so, साढ़े पाँच से छः घंटे वीडियो क्लासेस थ्री आवर्स की आपकी सेल्फ स्टडीज अगर ये नौ घंटे आप रोज अपने आप को देने को तैयार हो रोज नौ घंटे अगर आप अपने आप को देने को तैयार हो ट्रस्ट मी अपियरिंग फॉर बौद्ध मॉड्यूल्स इज़ पॉसिबल इट इज़ एब्सोल्युटली पॉसिबल मतलब इसमें कोई डाउट ही नहीं है कोई क्वेश्चन ही नहीं है बस ये आपको इतनी रेगुलरिटी फॉलो करनी है रोज़ क्या करोगे एक वीडियो एक सब्जेक्ट का चार वीडियोस रोज देख रहे हो छः घंटे की वीडियो क्लासेस जो छः घंटे आपने वीडियोस में कराए सेम के सेम चीज़ अपने को तीन घंटे उसके बाद पढ़ाई करनी है बहुत अच्छे से राइट अगर इफ़ यू आर एबल टू डू दिस ट्रस्ट मी इट इज़ पॉसिबल टू अपेयर फॉर बुद्ध मॉड्यूल सर दोनों मॉड्यूल देने के फायदे क्या हैं है? सबसे पहला आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है पास होने की कैसे सर सेट ऑफ का एडवांटेज मिल जाता है है ना वो जानते ही हम लोग ना सेट ऑफ मतलब एक ग्रुप में सपोज आपका टोटल से मॉड्यूल वन का जो आपका टोटल आया है लेट्स से आउट ऑफ फोर हंड्रेड यू गॉट टू हंड्रेड टेन मॉड्यूल टू अपना थोड़ा सा कमजोर था उसमें अपना वन नाइनटी आया है. टोटल कितना हो गया आपका फोर हंड्रेड ऑल दो आप मॉड्यूल टू में फेल हो लेकिन आपके क्योंकि ग्रुप वन में दस मार्क्स एक्स्ट्रा थे तो इंस्टीट्यूट क्या करती है वो टेन मार्क्स का क्रेडिट आपको मॉड्यूल टू में दे देती है एंड आपके दोनों मॉड्यूल्स निकल जाते हैं चार सौ ये सेट ऑफ का एडवांटेज जब आप दोनों मॉड्यूल्स देते हो तो ही आपको मिलता है 400. अच्छा सबसे पहले सेट ऑफ का फायदा है सेकेंड यार ये प्रोफेशनल एग्जाम्स में हमेशा होता है राइट right? एग्जीक्यूटिव में भी होता है फाइनल में भी होता है एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं जैसे कंपनी लॉ सिक्योरिटीज़ लिंक्ड है कंपनी लॉ अकाउंट्स के कुछ टॉपिक्स लिंक्ड है राइट right? uh, तो अब ये क्या होता है इंस्टीट्यूट इनफैक्ट एफ एम सिक्योरिटीज ऑल सेम मॉड्यूल में लेकिन क्वेश्चन एक दूसरे के यू you नो know, एक दूसरे सब्जेक्ट्स में आ सकते हैं डेफिनेटली आ सकते हैं तो क्या करती हैं इंस्टीट्यूट की कंपनी लॉ का कोई क्वेश्चन है जिसको सिक्योरिटी की किसी कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करके और उसमें दे दिया अब अगर आपका कंपनी लॉ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आती है और ऐसा आठ दस आठ दस मार्क्स आप मान के चलना कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं राइट दो तीन पेपर्स में आपके आते ही आते हैं तो आपका बहुत बड़ा फायदा हो जाता है बिकॉज यू गॉट नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अटैम्प्ट दो ट्रीकी क्वेश्चन ऑल्सो राइट तो अच्छा पासिंग परसेंटेज पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है दोनों ग्रुप्स दे रहे हो राइट तो ये आप ऐसे देखो ना मोटा मोटी आपके दोनों ग्रुप्स देने के एक्चुअली में फायदे हैं राइट आ, मैं मानता हूँ डिफिकल्ट है आठ पेपर्स का प्रेशर फिर वो आठ नौ दिन कंटिन्यूसली एग्जाम देना सब टफ है बट यार क्या बचा रहे हो ना आप टाइम राइट लाइफ में टाइम बच रहा है आपका और फिर जो आपका ओरिजिनल प्लान था कि जून ट्वेंटी में मॉड्यूल वन डिसंबर ट्वेंटी में मॉड्यूल टू एटलीस्ट वी हिट दैट टारगेट राइट कि आप बिल्कुल एक्जैक्टली टाइम पर फिर आप लेट नहीं हो हाँ जून 20 में वन मॉड्यूल डिसंबर 20 में भी वन मॉड्यूल और फिर जून 21 में एक और मॉड्यूल राइट right? तो वो फिर आप गलत कर रहे हो राइट right? फिर उस केस में यू एंडेड अप लूजिंग सिक्स इंपॉर्टेंट मंथ्स बट पॉसिबल है अच्छा ये सब बोलने के पीछे दूसरा और कोई इंटीरियर ऑब्जेक्टिव नहीं है मेन थाट बस ये है कि आ, स्टूडेंट्स को एक अच्छा रीजन मिल जाए कि यार यू कैन डू इट राइट और टाइम है अपने पास मतलब ये जो मैं लिख रहा हूँ ना बहुत लाइकली मैं आपको ये बल अगर ये अगस्त में आता ना तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करता दोनों मॉड्यूल्स को बट अपने पास एक महीना एक्स्ट्रा है आप यू कैन टर्न फॉर्च्यून्स यार और जब भी करोगे ना सबसे पहले रिविजन करना रिविजन अगर आपका थरो है ना उसके बाद ही हम लोग सेकेंड मॉड्यूल के बारे में हम लोग बात करेंगे राइट right? सो so, ये सेकेंड थाट आपका अच्छा उसके बाद नवंबर में अपने को क्या करना है अपने को पूरा अभी दोनों आठों पेपर्स रिवाइज करना है तीन साढ़े तीन दिन एक सब्जेक्ट रिविजन करेंगे दिसंबर में हम लोग फाइनल रिविजन करेंगे राइट अच्छा जब भी आप रिविजन करते हो हमेशा दो दो सब्जेक्ट्स एक साथ लोग दो दो सब्जेक्ट्स दो दो सब्जेक्ट्स तो सात दिन मिल जाते हैं और थोड़ा सा चेंज हो जाता है जब दो सब्जेक्ट्स लेने कौन से दो सब्जेक्ट्स लेने एक इजी एक डिफिकल्ट इजी डिफिकल्ट कैसे एक इंटरेस्टिंग एक बोरिंग जो आपको लगता है एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपको लगता है बोरिंग सब्जेक्ट है दोनों को साथ में पढ़ो एटलीस्ट दो बहाने निकल जाते हैं है, है ना सो so, बस ये नवंबर दिसंबर का अपना प्लान उस वक्त अगर कहीं आप रिविजन कर रहे हो कोई मैराथॉन्स कर रहे हो टेस्ट सीरीज आप दे रहे हो तो दैट शुड ऑल भी अकोमोडेटेड इन नवंबर एंड दिसंबर बिकॉज एनी वो हर क्लास लास्ट लास्ट में ही कंडक्ट करती है राइट right? सो so, बस ये अपना गेम प्लान है सिंपल अगर इतना हम लोग बहुत कन्वीनियंटली कर पा रहे हैं सो आई डोंट थिंक सो अपियरिंग फॉर बोधो मॉड्यूल्स इन डिसम्बर इज एक्चुअली वेरी वेरी डिफिकल्ट एट इट इज़ एब्सुलूटली पॉसिबल अगर ये डिसिप्लिन आप रख सकते हो तो लुक एट दिस लाइड थिंक अबाउट इट फॉर टेन मिनट्स अगर इफ यू आंसर इज येस दट यू नो ये इतना नौ घंटे का रोज़ का डिसिप्लिन आप दे सकते हो इतना आप रोज़ कर सकते हो तो आई थिंक इट इज़ वेरी मच पॉसिबल टू अपियर फॉर बोधो मॉड्यूल्स यू शुड नॉट रिलली बी वरी अबाउट इट है ना और आ, बाकी और क्या मुझे आपको बताना था बस यार बाकी तो आई थिंक सॉटेडे यार सेल्फ स्टडीज कर रहे हो तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम देना ही पड़ेगा बिकॉज आपको फिर समझना पड़ेगा खुद से चीज़ें उसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम लग सकता है बट अगर क्लासेस कर रहे हो तो आई एम श्योर एवरी टीचर एवरी फैकल्टी इज़ बेस्ट इन इंडिया जो पढ़ा रहे हैं वो सब बेस्ट होते हैं uh, मतलब कोई क्वेश्चन ही नहीं है उसके बारे में आपको जिसका जैसे कम्फर्टेबल कैन बाय द लेक्चर्स एंड प्रॉबली स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट है ना अब इस पूरे प्लान में कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि भाई वी कैन बी ऑफ़ एनी हेल्प यस अकेडमी कुड बी ऑफ एनी हेल्प यू कैन गेट इन टच विथ एनी ऑफ अस एंड वी मोर देन हैप्पी है ना ये हम लोग का नंबर uh, है ऑफिस का अगर कोई भी आपको ऐसा वीडियोज़ की कोई क्वेरीज होगा बिल्कुल बिंदास गेट इन टच वेबसाइट पर आपको बाकी सारी डिटेल्स मिली जाएगी राइट सो एनी हेल्प नीडेड मोर देन हैप्पी टू हेल्प यार राइट बट ये यार बिल्कुल कोशिश करो यू you नो know, कि आप दोनों मोड्यूल्स Uh, दो और है यार पॉसिबल है मतलब ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है आप बिल्कुल कर सकते हो हाँ थोड़ा सा आपको डेफिनेटली अपने आप को पुश करना पड़ेगा और यार लाइफ में जब तक वो किसी चीज़ को चेज़ करके नहीं पाओगे ना उस चीज़ का मजा ही नहीं आएगा राइट जो चीज़ हम लोग को बहुत आसानी से मिल जाती है हम लोग को कभी उसकी कदर नहीं रहती उसकी वैल्यू नहीं रहती सो चेज़ राइट बिकॉज द थिंग विच यू अर्न राइट गिव्स यू द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन राइट गिव्स यू द बेस्ट फ्रूट्स आउट ऑफ इट सो आई एम श्योर यू ऑल हैव दैट केपेबिलिटी यू ऑल हैव दैट पोटेंशियल टू एक्चुअली हिट बोद्ध मॉड्यूल्स एंड लेट लेट्स क्रिएट हिस्ट्री टूगेदर दिस टाइम राइट लेट्स बरिंग दोज मैक्सिमम नंबर्स यहाँ पर पैन इंडिया मैक्मम स्टूडेंट्स ने दोनों ग्रुप्स की एग्जाम दी और दोनों यू uh, नो you know, ग्रुप्स क्लियर किए हैं वो इंस्टीट्यूट को जाने दो पेपर क्या डिफिकल्ट करता है उनको भी भूल जाओ कि कैसे वो पेपर चेक करते हैं जो हमारे हाथ में वील वर्क ऑन दैन वील गार बेस्ट राइट बस ये टेक दिस प्लेज प्रोमिस टू योर सेल्फ प्रामिस टू योर पेरेंट्स प्रामिस टू योर टीचर्स एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट आई एम श्योर इट इज़ वेरी मच पॉसिबल एंड यू नो मतलब वील बी वेरी वेरी हैप्पी अगर हम लोग किसी भी तरीके से आप लोग की कहीं यहाँ पर इस जर्नी में मदद कर सकें बट आई थिंक इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल राइट आप बहुत अच्छे से अगर दिल लगा के पढ़ाई करोगे तो ये डेफिनेटली पॉसिबल है बस यार एक चीज़ इसमें ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो नौ घंटे आप पढ़ रहे हो मैं सचता हूँ uh, मैं हमेशा से एक ट्रिक फॉलो करता था यू नो जैसे हाँ एक क्वेश्चन ये रहता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर रात को पढ़ना चाहिए सुबह पढ़ना चाहिए यार जिस टाइम पे पढ़ रहे पढ़ो यार मतलब उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है Uh, मैं आई हैव बिन आई हैव बिन अ नावल थ्रू आउट माई लाइफ राइट मैं आई हैव बिन अ नाइट पर्सन मैंने हमेशा रात को ही पढ़ाई की है मेरे से सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती आज भी नहीं होती इनफैक्ट तो मैं रात को ही पढ़ता हूँ मतलब डोंट टेस्ट योर सेल्फ राइट किसी ने बोला सुबह उठ के पढ़ना चाहिए यार फायदा होता है नो no डाउट मतलब वो साइंटिफिकली प्रूवन है बट ये टाइम नहीं है वो सारी सारी चीज़ें टेस्ट करने का अगर आप रात को पढ़ने में कंफर्टेबल हो रात को पढ़ो सुबह पढ़ने में कंफर्टेबल हो सुबह पढ़ो आजकल तो वैसे भी घर में रहते हैं दिन रात सब बराबर ही लगता है सो जो आपको कंफर्टेबल हो फॉलो दैट सेकेंडली Uh, <coughs> मैं हमेशा जब भी पढ़ाई करता था ना आई वुड फॉलो वेरी सिंपल ट्रिक मैं अपने पूरे दिन को पढ़ाई वाले पार्ट को तीन पार्ट्स में डिवाइड करता था कैसे थर्टी मिनट्स रिविजन अगर सपोज नौ घंटे में पढ़ रहा हूँ प्लस आ, ये मैं वीडियो लेक्चर्स छोड़ कर से यहाँ पे चार घंटे लिखता हूँ मैं है ना चार घंटे थ्री आवर्स ऑफ स्टडीज प्लस थर्टी मिनट्स रिविजन ये क्या है थर्टी प्लस थ्री प्लस थर्टी ये समझना थर्टी मिनट्स जो पहला मैं रिविजन करूँगा वो प्रीवियस डे का होगा इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज़ यार सबसे ज़्यादा लोग गलती यही करते हैं कि आगे बढ़ते रहते हैं लेकिन पुराना कभी रिवाइज नहीं करते हैं। सबसे पहले क्या करो जो आपने कल पढ़ा था उसको आप पहले बहुत अच्छे से रिवाइज़ कर लो फिर ये आपका जो दिन भर का स्टडी प्लान है उसे आप बनाओ और उसे पढ़ो और प्लान में ऐसे वो चार चार महीने के प्लान्स मत बनाओ कभी रियलिस्टिक नहीं होते प्लान हमेशा एक दिन का एक घंटे का पंद्रह मिनट का प्लान होना चाहिए कि आने वाले घंटे में मैं क्या कर रहा हूं। वो तीन महीने हम लोग प्लान लिख लेते हैं बीच में कुछ हो गया घर में कुछ हो गया पड़ोसी को कोरोना हो गया अपनी चिंता बढ़ जाती है अपने पूरे शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाते राइट वो तीन महीने चार महीने की बात ही मत करो एक दिन प्लान करो एक घंटा प्लान करो एक मिनट प्लान करो कि आने वाले एक मिनट में आप क्या करने वाले हो वो बहुत रियलिस्टिक प्लान होते हैं टेक ब्रेक्स इन बिटवीन आपने घंटा पढ़ाई की पांच मिनट का ब्रेक एक घंटा पढ़ाई कि पांच मिनट का ब्रेक एंड कीप सम मोटिवेशन राइट एक छोटा सा मोटिव

उसका रिविजन मतलब इन शॉर्ट जब मैंने स्टार्ट किया पहले जो मैंने कल पढ़ा था उसको मैंने रिवाइज कर लिया सो आई एम टू अ पॉइंट आज की मैंने पढ़ाई की और जो भी मैंने आज का पढ़ाई की उसको मैंने वापस से शाम को बुक्स बंद करने के पहले रिवाइज कर लिया इससे फायदा क्या होता है आपने वो चीज तीन बार पढ़ ली आज पढ़ा आज ही रिवाइज किया नेक्स्ट डे जब पढ़ूंगा तो वापस से रिवाइज कर लूंगा तो आप वैसे मानना कि आपकी दो रीडिंग्स इफेक्टिवली वैसे ही खत्म हो जाती है सो ऑलवेज फॉलो दैट राइट पढ़ना बहुत आसान है डिफिकल्ट होता है रिविजन करना और वहीं पर जो ये स्टूडेंट्स को कॉमन थाट आते हैं ना कि जो मैं पढ़ता हूँ सब भूल जाता हूँ वो इसलिए होता है बिकॉज वी डोंट रिवाइज सो ये फॉलो दिस ट्रिक हाँ ये फॉलो दिस फॉर फिफ्टीन ट्वेंटी ट्रस्ट मी योर गेट द बेस्ट रिजल्ट मतलब मैं आज अगर आपके सामने बैठा हूँ अगर नाम के पहले सी एस लगा हुआ है ना तो उसके पीछे यही एक सिंपल सा मंत्र था विच आई हैव फॉलोड थ्रू आउट माई लाइफ मैंने कोई इसी भी एग्जाम दिया है ऑलवेज फॉलोड दिस राइट सो फॉलो दिस सिंपल ट्रिक आई एम श्योर इट विल डू वंडर्स टू यू इज वेल राइट टेक अ पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन यूर सेल्फ आई यू एबल टू गिव योर सेल्फ दिस मच ऑफ कमिटमेंट और अपने आपको चैलेंज नहीं किया ना, तो लाइफ में कुछ भी नहीं किया राइट चैलेंज योर सेल्फ यू गेट द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट राइट सो टेस्ट योर सेल्फ इफ यू आंसर इज येस अपेयर फॉर दो मॉड्यूल्स इफ यू आंसर इज नो कि पंद्रह दिन में आप रिविजन खत्म नहीं कर सकते हो देन अपियर फॉर सिंगल मॉड्यूल ये सिंपल सा मंत्र है मेरे हिसाब से एंड आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन जो यहाँ पर थे पेपर डिफिकल्टी हमारे हाथ में नहीं है लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट अच्छा चेकिंग टफ होगी ईजी होगी हमारे हाथ में नहीं है लेट्स नॉट टॉक अबाउट दैट हमारे हाथ में क्या है एक मॉड्यूल दोनों मॉड्यूल वो मैंने आपको थाट दे ही दिया है पूछो अपने आप से पंद्रह दिन में रिवीजन खत्म कर सकते हो अगर कर सकते हो तो दोनों नहीं तो सिंगल मॉड्यूल उसके बाद एग्जाम दिसंबर में होगी आपके हाथ में नहीं है अगर वैक्सीन आ गई तो एग्जाम दिसंबर में होगी नहीं तो दिसंबर में भी एग्जाम नहीं होगी अच्छा सेल्फ स्टडीज़ करना है वीडियो लेक्चर्स लेना है मेरे हिसाब से यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर वीडियोज़ कारण एक गाइडेंस मिलता है किसी का और चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती है वो हम लोग रिसर्च वाला टाइम हमारे पास नहीं है वो कब होता है ना कि बस फाउंडेशन दिया और एक साल है मेरे पास एग्जीक्यूटिव देने के लिए तब इट मेक्स सेंस अब इतने शॉर्ट टाइम में टफ है आर्टिकलशिप आईसीएस आई का क्लैरफिकेशन आएगा लेट्स वेट फॉर दट क्लैरिफिकेशन देन वील अगेन टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक ठीक है आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने प्रॉपरली एड्रेस कर दिए एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प नीरेड फ्राम यूस अकेडमी वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑलवेज राइट थैंक यू सो मच विशोल अ वेरी वेरी गुड लक गॉड ब्लेस यू ऑल वी लव यू ऑल थैंक यू सो मच